हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज बात करूंगी एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की, Hyundai i20। i20 प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में जब से भारतीय बाजार में आई है, हर अवतार में इसने फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में बेंचमार्क सेट किए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में काफी सारे प्लेयर्स उतरे हैं एंड i20 वाज ओवरशैडोड बाय देम। इसीलिए Hyundai ने i20 को नए अवतार में उतार दिया है। दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज द फोर्थ जनरेशन i20। क्या ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में वापस नंबर वन पोजीशन हासिल करने के लिए तैयार है? लेट्स फाइंड आउट। i20 को देखकर जो शब्द दिमाग में आता है वो है एजी। ये काफी शार्प लुकिंग गाड़ी है। आप बोनट पर देखिए कितनी शार्प क्रीजेस दी गई हैं, इसको एक स्मार्ट लुक देती हैं। ये जो हेडलैम्प है ये भी काफी शार्प लुक के साथ है और जो इसमें DRL है वो इसे हाईलाइट करता है। दीज आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। साथ ही यहाँ पर आपको ये जो ग्रिल दिखाई दे रहा है, ये देखकर पता चल जाता है कि ये Hyundai का ग्रिल है, बट इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है। ये ग्लॉसी ब्लैक मटेरियल में है, इट लुक्स रियली नाइस। और बीच में आपको बड़ा सा Hyundai का लोगो नजर आएगा। नीचे ये ब्लैक प्रोजेक्टर फॉग लैम्प है और बम्पर जो है वो ब्लैक में दिया गया है। अब नजर डालते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। यहाँ पर आपको ये 16 इंच के व्हील्स दिखाई देंगे। दीज आर डायमंड का डुअल टोन अलॉयज। डुअल टोन यहाँ साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी का ज़्यादा उभर कर भी आ रहा है। एंड यू कैन सी द ब्लैक ORVMs और इसी पर टर्न इंडिकेटर दिया गया है। दिस ऑल्सो हाउसेज द पैडल लैम्प। जी हाँ, आपको i20 में पैडल लैम्प भी मिलेगा। बिसाइज दैट यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो क्लैडिंग है, दिस इज शाइनी ब्लैक मटेरियल, ग्लॉस ब्लैक मटेरियल। और प्रीमियम लुक देने के लिए यहाँ पर डोर नॉब्स तो हैं ही क्रोम में, विंडो को भी लाइन किया गया है क्रोम से। एंड आई रियली लाइक द वे द सी पिलर हैज़ बीन डिज़ाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम की शार्प एज दी गई है एंड देन रियर में ये ब्लैक स्पॉयलर है जो कि एक काफ़ी शार्प एजी लुक देता है सी पिलर को। दैट मेक्स एन एक्स टाइप ऑफ शेप जो कि इसके सी पिलर के लुक को इन्हांस करता है। लेकिन इस गाड़ी का सबसे डिफाइनिंग फीचर जो है वो इसके रियर में है एंड दैट विल बी दीज टेल लैम्प्स। जी शेप के ये टेल लैम्प्स डेफिनेटली नोटिसेबल हैं और इसके रियर को स्टैंड आउट कराते हैं। साथ ही यहाँ पर क्रोम गार्निश दी गई है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। ग्लॉस ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल है। नीचे भी आपको ये ग्लॉस ब्लैक मटेरियल मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं बूट स्पेस जो है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है। 26 लीटर बढ़कर अब ये 311 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है नई i20 में। नए लुक के साथ ही इसके साइज में भी बदलाव आया है। ये अब पहले के मुकाबले बड़ी है। इसकी लंबाई 10 mm, चौड़ाई 41 mm बढ़ गई है, लेकिन हाइट में कोई बदलाव नहीं है। व्हील बेस पहले के मुकाबले 10 mm बढ़ा है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है। Hyundai ग्रुप के हाल फिलहाल के लॉन्चेस में एक ट्रेंड साफ है कि वो कस्टमर्स को ढेर सारे विकल्प देते हैं और i20 में भी ऐसा ही है। इसमें तीन इंजन ऑप्शंस हैं। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 120 HP की पावर देता है। इसमें दो गियर बॉक्स ऑप्शंस होंगे, DCT और IMT, या फिर जिसे हम क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। Hyundai का कहना है कि DCT के साथ इस टर्बो इंजन को 0 to 100 KPH जाने में 9.9 सेकंड्स का वक्त लगता है, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट हैच। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स है। और जहां मैनुअल के साथ ये इंजन 83 HP की पावर देता है, वहीं CVT के साथ इसे 88 HP पावर देने के लिए ट्यून किया गया है। i20 में डीजल के लिए 100 HP पावर देने वाला 1.5 लीटर इंजन है जो कि 6 स्पीड मैनुअल के साथ है, यानी डीजल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। अब बात इसके इंटीरियर्स की। i20 के इंटीरियर्स को ज्यादा प्रीमियम लुक देने की कोशिश है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल रही है और साथ ही
बिकॉज दिस इज टर्बो i20, यहाँ पर आपको ये रेड कलर के एक्सपोज स्टिचेस दिखाई देंगे और ये रेड इंसर्ट्स आपको कई जगह दिखाई देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एसी वेंट्स पर, और ये जो एसी कंट्रोल के नॉब्स हैं, दीज आर टॉगल नॉब्स, दे आर वेरी नाइस टू टच, एंड यहाँ पर भी ये रेड डिटेलिंग दी गई है, दे लुक वेरी वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट टू यूज ऑल्सो. यहाँ पर आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी है और इसके साथ साथ इनबिल्ट नेविगेशन है. यहाँ पर आपको बता दूं i20 के साथ Hyundai का ब्लू लिंक ऐप भी आपको मिलेगा, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी मिलेगी जिसके साथ आपको कनेक्टेड फीचर्स काफ़ी सारे मिलते हैं और इस बार वो वॉइस कमांड के साथ होगा, यानी कि यू कैन से हेलो ब्लू लिंक एंड इट विल रिस्पॉन्ड टू दैट. इसके साथ साथ यहाँ पर सामने आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, थोड़ा मुझे क्लटर्ड लगता है बट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पर जो डैशबोर्ड है उसको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लुक दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइंस जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, एसी वेंट भी उनमें ही जुड़ा हुआ सा लगता है एंड दैट लुक्स वेरी वेरी नाइस. डैशबोर्ड को डोर में इंटीग्रेटेड लुक दिया गया है तो यहाँ पर ये घूम कर आता है और वो बहुत अच्छा लगता है. यहाँ एयर प्योरीफायर और सनरूफ भी दिया गया है, इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स हैं. TPM और हिल स्टार्ट असिस्ट सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं. वन ऑफ द थिंग्स जो कि i20 में पहले मिसिंग थी वो थी लेग रूम, लेकिन अब विद द इंक्रीज्ड व्हील बेस वो कंप्लेन भी रिजॉल्व हो चुकी है. यू गेट एम्पल लेग रूम और यहाँ पर हेडरूम भी अच्छा है तो आपको स्पेस का सेंस बेहतर मिलता है. एसी वेंट है, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल रखने की जगह यहाँ दी गई है और डोर में आपको बॉटल रखने की जगह मिलती है. इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ बोस के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं. इसमें बोस का 7 स्पीकर सेटअप है विद सबवूफर्स और इस तरह का स्पीकर सेटअप इस सेगमेंट में पहली बार i20 में ही मिल रहा है. इसकी फीचर्स लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसमें शामिल है एम्बिएंट लाइटिंग और रियर व्यू कैमरा जो कि आप एक बटन के जरिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा Hyundai से एक्सपेक्ट किया जाता है i20 में ढेर सारे फीचर्स मिल रहे हैं, इंजन ऑप्शंस भी इतने हैं कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं. इसमें पहले के मुकाबले रियर सीट स्पेस और कंफर्ट बढ़ गया है और इसका लुक बिल्कुल नया है. जब हमने ये वीडियो बनाया तब तक इसकी कीमत नहीं अनाउंस हुई थी, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कीमत देख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए और व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.